चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम ज्योति है, मंडी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन है बीएससी बीएड एमबीए। मैं एक होम मेकर हूँ। आज मैं आपको P3Y के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। P3Y है क्या? P3Y एक प्रैक्टिकल टेक्निक है जिससे हमारी अधिकतम सुखद इच्छाएँ पूरी होती हैं। P3Y की फुल फॉर्म है परमजी पप्र परमयोग, जिसमें पहला पी है परमजी। परमजी एक सुप्रीम पावर है, अलौकिक शक्ति है, जिन्होंने ये विद्या दी है P3Y। दूसरा पी है पप्र। पप्र 11 लाइनों की एक टेक्निक है जिससे हमारी भौतिक, पारिवारिक और अन्य तरह की आध्यात्मिक बीमारी से रिलेटेड कई तरह की इच्छाएं पूरी होती हैं। तीसरा पी है परम और वाय से योग, परम योग। तो पप्र क्या है? पप्र 11 लाइनों की एक टेक्निक है जिसमें पहली 8 लाइनें जो होती है वो है परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परमजी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परमजी को नमस्कार करती हूँ। इस तरह से पप्र में पहली 8 लाइनें बोली जाती हैं और ये लाइनें जो हम बोलते हैं ये वैसी की वैसी ही बोली जाती हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता। हम चाहे कोई भी भाषा बोलने वाले हो तब भी ये लाइनें वैसी ही बोली जाएंगी। उसके बाद नवीं जो लाइन होती है वो होती है इच्छा वाक्य, जिसमें हम एक इच्छा फ्रेम करते हैं। जैसे मैं मांग रही हूँ कि आज मेरा मन शांत रहे और मुझे कम गुस्सा आए, इसे कहते हैं इच्छा वाक्य। उसके बाद 10वें और 11वें वाक्य में इच्छा पूरी होने के बाद भुगतान किया जाता है। जैसे 10वें वाक्य में हम बोलेंगे इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 रुपये परम जी को दूंगी, और 11वें वाक्य में हम बोलेंगे इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को P3Y सिखाऊंगी। तो इस तरह से पकड़ में हम अपनी इच्छा को फ्रेम करते हैं और परम जी से मांगते हैं। जब हम पहली 8 लाइनें बोलते हैं तो परम जी की पावर हमारे सामने आती है और 9वें वाक्य में हम इच्छा मांगते हैं, वो इच्छा हमारी पूरी होती है। और इच्छा पूरी होने के बाद 10वें और 11वें वाक्य में हम परम जी को भुगतान करते हैं पैसे और प्रसाद के रूप में। तो ये जो पप्र होता है हम किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं, हमारी कोई भी सुखद इच्छा इससे पूरी होगी। पर कोई भी गलत इच्छा जो है, अपना बुरा चाहने की, मानो किसी का बहुत मन कर रहा है, बहुत डिप्रेशन है कुछ, और वो चाहता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं मर जाऊँ, तो वो इच्छा पूरी नहीं होगी। तो इस तरह से पप्र में कोई भी गलत इच्छा पूरी नहीं होगी, आपकी सुखद इच्छा पूरी होगी, किसी का बुरा चाहने वाली और गलत इच्छा पूरी नहीं होती है। अब मैं आपको परमयोग के बारे में बताऊँगी। परमयोग मानसिक शांति के लिए, IQ लेवल बढ़ाने के लिए और मानसिक रोगों के लिए किया जाता है। मानसिक रोग कई तरह के होते हैं, जैसे कि बहुत गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन या नींद ना आना, इस तरह से कई तरह के मानसिक रोग होते हैं, तो उनमें हम परमयोग कर सकते हैं। परमयोग में परम श्वास और परमनाद की क्रियाएँ होती हैं। अब मैं आपको परम श्वास की क्रिया करके बताऊँगी कि उसे कैसे किया जाता है। परम श्वास की क्रिया करती बार रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तिष्क सीधा रहेगा, आंखें हमारी खुली रहती हैं, ध्यान परम जी पे रहेगा और हमारे दांत सटे हुए और होठ खुले रहेंगे। इस तरह से सटे दांत खुले होठों से हम मुंह से सांस लेते हैं और नाक से सांस हम छोड़ देंगे। इस तरह से मैं आपको करके बताती हूँ। तो ये है परम श्वास की क्रिया। ये एक सिंपल सी क्रिया है, इसको आप आराम से बैठ के चेयर के ऊपर या धरती पे बैठ के आराम से कर सकते हैं, पर इसमें पोजीशन जो मैंने आपको बताई वैसी रहेगी। और परमनाद की क्रिया जो होती है वो भी सेम इसी तरह से की जाती है, पोजीशन उसकी वैसी ही रहेगी। पर परमनाद की क्रिया में आपकी आंखें बंद होती हैं और आपके जब आप अपनी सांस छोड़ते हो तो सांस छोड़ती बार जो है मुंह की ध्वनि, जैसे भंवरे गुंजन करते हैं वैसी ध्वनि जो है हम निकालते हैं। तो इस तरह से परमनाद की क्रिया की जाती है। तो ये इन दोनों क्रियाओं को इकट्ठे मिलके हम बोलते हैं परमयोग। तो परमयोग किया कब जाता है? परमयोग हम दिन के 3 बार करते हैं। पहला, जब 4 बजे के बाद सुबह हमारी आंख खुलती है तब हम परमयोग करेंगे।
दूसरा हम करते हैं जब हम अपना पहला काम करेंगे, जैसे हाउस वाइफ है वो किचन में जाने से पहले, स्टूडेंट है वो स्कूल जाने से पहले, और वैसे ही कोई ऑफिस जाने वाला है अगर तो वो ऑफिस जाने से पहले परम योग करेगा, और रात को सोने से पहले तीसरी बार हम इसको करते हैं। और ये जो परम योग है ये एक टाइम में 1 से 10 बार ही किया जाता है, उससे ज़्यादा बार हम इसको नहीं करेंगे। इसके अलावा परम योग जो होता है वो कौन सी जगह पर नहीं किया जाता, जिस जगह पे गंदगी हो, धुआं हो या कोई गंदी स्मेल हो, उस जगह पे परम योग को नहीं किया जाता। बाकी आप कभी भी कहीं भी परम योग कर सकते हो। कभी आपका मन घबरा रहा है, आपको बेचैनी हो रही है, तो उस टाइम पे आप फटाफट परम श्वास कर सकते हो 1 से 10 तक, और आपको बहुत ज़्यादा इससे रिलीफ मिल जाएगा। और ये प्रैक्टिकल विद्या है, आप अपने आप इसको करोगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो मैंने आपको P3Y के बारे में आज जानकारी दी। अब लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि P3Y जो है परम जी की एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, और आज के प्रेजेंट सिनेरियो में ये बहुत ही सिंपल है। इसको यूज़ करने में कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना इसमें कोई कष्ट है, ना नष्ट है, ना थकैती है। इसके अलावा आप इसको कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हो, पर इसका तरीका जो है वो जो मैंने आपको बताया वैसा होना चाहिए। इसके अलावा ये जो विद्या है अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे कीजिए, प्रैक्टिकली कीजिए। आपको अच्छी लगती है तो आप इसको आगे भी यूज़ कीजिए, अगर आपको ये विद्या अच्छी नहीं लगती है तो आप इसको वहीं पे छोड़ दीजिए। इसके बारे में कोई तर्क वितर्क या डिबेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परम जी के वचन है कि ये विद्या ऐसी है, अगर अनुकूल पड़े तो ले लेना और प्रतिकूल पड़े तो छोड़ देना। और लास्ट में आपको वीडियो में नीचे जो है लिंक दिया होगा और एक साइट बताई होगी, आपको ज़्यादा जानकारी इसकी चाहिए होगी तो आप उस पर क्लिक करके और ज़्यादा जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। चरणम शरणम गच्छामि।